हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत लेट शुरू कर रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 3 और हम सुबह से बहुत बारिश थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें करनी थी, हम व्लॉग नहीं शुरू कर पाए। तो मयूर को बहुत टाइम से खाना था वॉलनट केक, तो मैं अभी वॉलनट केक बनाने जा रही हूँ। अभी हम स्टार बाज़ार गए थे, जस्ट अभी आई हैं, और छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। वैसे मैंने बेकिंग का सारा सामान अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लिया था, बट एक दो चीज़ें थी जो हमें वहाँ से लेनी थी तो वो हम लेने गए थे, और अभी हम जस्ट आए हैं। तो अभी मैं वॉलनट केक बनाने जा रही हूँ। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आज केक बना रही हूँ। आई डोंट नो मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा, और बिकॉज मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है तो देखते हैं, लेट्स सी। दिस इज़ द फ्लावर, ये वॉलनट्स हैं यहाँ पे, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं ऐड करने वाली हूँ। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। आई विल शो यू गाइस कि किस तरीके से बनता है। व्हाट इज हैपनिंग? ओके, सो ये है वॉलनट, ये है सोडा, सोडा ये बेकिंग पाउडर, ये वनीला एसेंस, ये यहाँ पे ये शुगर है, ये वाला ही शुगर डाला है। भौक, हाँ भौक। खाना किसको है? पीछो बन रहा है, पीछो माथा पच्ची किसके लिए हो रही है? पीछो कहाँ पीछे? हाँ बस भौक, बकवास मत कर। भौक क्या होता है? भौक रही हूँ मैं, भर दो। देख रहे हो गाइस, जब आपके 25-30 व्लॉग आ जाए तो उसके बाद असलियत बाहर आती है, तो ये असलियत है। खाना क्या कर रही हो? इसको खाना है और बोल तो कुछ। हाँ बोल तो। नाटक तेरी वजह से हो रहा है, मेहनत कुछ करवा नहीं रहा है, यहाँ खड़े होकर के ना बोला कि हर्डल्स डाल रहा है माय लाइफ में, हर्डल्स डाल रहा है भाई। यहाँ हमने पहले ऑयल लिया, लोगों को बता तो दे कि कैसे बनाने। ये ऑयल है और इतनी शुगर है, तो मैंने सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मेजर करके लिए, ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, मतलब ये पूर्णिमा के हिसाब से, राइट? माय लाइफ माय रूल्स काइंड ऑफ, या एटीट्यूड, इट्स योर। इसको हिलाना है कितनी देर तक? क्या मिक्स हो जाए जी? और मिक्स करते रहो, मिक्स करते रहो, थोड़ा और डालना। अरे भाई, आप अपनी होशियारी क्यों दिखा रहे हो? लेटर मेक। अरे यार, तू भी होशियारी दिखा रहा है ना अपने, यहाँ आकर के और जूम कर ले जूम, तो भी लोग मुझे प्यार करते हैं, करते रहेंगे। अब ये कितनी देर मेहनत करता है वो दिखाना है, ये बिना एडिट के इतना पूरा लगेगा। अब आपको मैं दिखाती हूँ इसका पेशेंस। हाँ, मैं अब ना इसका आपको पेशेंस दिखाती हूँ। जस्ट अभी मेरे हाथ से लिया है, विस्क कर, ये हो गया इसका, हो गया इसको विस्क करने के लिए दिया है, 5 मिनट भी नहीं कर पा रहा है। मिक्स हो गई मैदा, इसमें बेकिंग सोडा डाल रहा है, ठीक है, और बेकिंग पाउडर अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। ये एक ऐसी शेफ है जो मेजर करके कुछ नहीं बनाती है, अपने आप बनाती है। मैं बस बता रही हूँ कि ये इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, उसके बाद आपको जैसा लगे आप वैसा बना लेना। तो ये जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे, जैसे कि ऑल पर्पज़ फ्लावर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, ऑल मिल्क, इन सबको अच्छे से विस्क करिए, अच्छे से मिलाइए, मिक्स करिए, और क्वान्टिटी देखते रहिए, थोड़ा गाढ़ा मत करिएगा, अच्छे से विद द हेल्प ऑफ मिल्क आप इसको अच्छे से मिलाइए। तो अब हमने इस बेकिंग ट्रे में ये थोड़ा सा फ्लावर लेकर ऐसे डाल रहे हैं, बिकॉज हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो हमें ये डालना पड़ेगा। अगर आपके पास सूजी हो आप वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज फ्लावर से काम चल जाएगा। और अब इसके ऊपर हमारा जो मिक्सचर है हम पूरा डाल लेंगे, सारा मिक्सचर आप डाल लीजिए। वो ब्रेड है ना, जो ब्रेड उस बन जाएगी। एंड इसके ऊपर सारा मिक्सचर डालने के बाद आपके जो वॉलनट्स बचे हैं वो वॉलनट्स आप ऊपर से ऐसे ऐसे डाल लीजिए, सो दैट आपको वॉलनट का अच्छे से टेस्ट आए। अब कितनी देर में आ जाएगा बन के? मुंह में पानी आ रहा है। रेडी हो गया,
ये मयूर इतना हंसने की क्या जरूरत है? मेरे वजह से ही तो बनाया तुमने। वाह 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 वाह। पहले ना इससे चेक करना होता है, पोक करके देखना होता है। क्यों बताओ, हंस रहे हो यार? इसको वनीला आइसक्रीम मिल जाए तो अच्छा बना है। डिनर दीदी का फेवरेट, जैसी वो खुद है वैसे ही वो उनका खाना। सॉरी खत्म करने के बाद दिखा रहे हैं आपको, बट मेरा और भूमि का जो खाना है फिर अभी वो है ये। तो मेरा फेवरेट सॉस है सोया सॉस। यस, डिमसम है दो अलग अलग, टेस्ट करके बताता हूँ। अरे छोटे थोड़े से ही तो हैं। थोड़ा सो डिमसिम खा के मेरा पेट ही डिमसिम हो गया था। आज इसने वॉलनट केक बनाया था, वो भी कच्चा था। मजाक कर रहा हूँ, खैर वॉलनट केक था ना वो, उसके एक घंटे के बाद जाके और टेस्टी हो गया। जब वो ठंडा हुआ ना तो वो इतना टेस्टी हो गया ना, वो एक्चुअली ब्रेड जैसी होती है, ब्रेड जैसी, तो इसलिए वो ना उसको थोड़ा टाइम लगता है, वो गरम गरम इतना वो नहीं लगता, थोड़ा ठंडा होने में उसका टेस्ट आता है। सो मैं आधा तो खा चुका हूँ, आधा मैं कल खा लूंगा। वो थोड़ा आज डिमसिम की वजह से थोड़ा पेट डिमसिम हो गया मेरा। सो आई होप अच्छे नहीं लगे डिमसिम, एकदम थर्ड क्लास एकदम, मतलब मैं बता नहीं सकता। मैंने जोमेटो पर रेटिंग दी है उसको -5। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम नीचे की सोए हैं, एक्चुअली मयूर की बैक में और मेरे नेक में ना बहुत पेन है, तो हम लोग नीचे सोने वाले हैं। नीचे गाइस मैं ही सोने वाला हूँ क्योंकि मेरे लोअर बैक में आज बहुत पेन है। मैंने मेडिसिन लिया है, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि नीचे सो, इसके नेक में पेन है बट ये उपड़ी सोएगी क्योंकि हमारे पास दूसरा गद्दा नहीं है नीचे सोने के लिए। सो आई होप यू लाइक द ब्लॉग, एंड बहुत मेहनत से आज इसने ये जो भी बनाया था। तो अगर आपको भी रेसिपी वगैरह जाननी है तो आप ब्लॉग के नीचे कमेंट कर दीजिए, ये आपको बता देगी। और हमारा अब ब्लॉग हम एडिट करने जा रहे हैं और नींद बहुत तेज आ रही है, तो हम मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, खुश रहिए और वैक्सीन लगवा लीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।